मेहनत एंड फुल वेस्ट हो गई, किस तरह से आप क्या कर रहे थे और क्या हुआ? पहाड़ और निकला एक छोटा सा प्यारा सा किटन और वो भी एक गाना गाता हुआ, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो तारा को कैसा लगेगा? बहुत इरिटेटिंग लगा लेकिन उसे शायद अपना बचपन याद आ गया। और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है हमारे शो में फ़िलहाल, बिकॉज़ ये कोई ना कोई सुराग है इस चीज़ से जुड़ा हुआ। तो देखते हैं इस पज़ल को कौन सॉल्व करता है, अंजलि या तारा। मैं जब बात होती है आपकी शो की तो इट्स ऑलवेज मिस्टीरियस। सो आज जो झगड़ा हो रहा है उसके पीछे भी कुछ तो है, शायद इसीलिए आप लड़ रहे हो। तो क्या है वो वजह जो खींचा तानी हो रही है? एज यू जस्ट सेड कि आवर शो इज़ वेरी मिस्टीरियस, तो आई थिंक थोड़ी मिस्ट्री अभी रखनी चाहिए। बाकी की मिस्ट्री हमारी ऑडियंस सॉल्व करेगी जब हमारा टेलीकास्ट देखेगी तब। लेकिन बहुत सारे इंटरेस्टिंग सीक्वेंसेस अभी आने वाले हैं, बिकॉज एक तो आपने अभी तक अंजलि और तारा को सिर्फ बहस करते हुए देखा होगा, कैट फाइट करते हुए नहीं देखा होगा, अभी आपको वो भी देखने को मिलेगी। एंड एज आई सेड बहुत ही इंटरेस्टिंग सा किटन है गाना गाता हुआ जो कि अभी अभी हमारे सेट पर आया है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। सो स्टे ट्यून्ड। वेल, लेकिन अंजलि की हम बात करें तो उसकी हालत ऐसी बेहाल की है, पट्टी वट्टी चढ़ी है, निशान है, ये तारा ने एक्चुअली वो अंजलि है या वो आरोही है ये दीप को नहीं पता, वो कन्फ्यूज है। एंड फॉर तारा शी इज़ अंजलि, तो तारा के लिए वो फिर से कोई नाटक कर रही है अपने एक्सीडेंट का। और उसका सच में एक्सीडेंट हुआ है या उसने नाटक किया है, और अगर उसका एक्सीडेंट हुआ है तो वो दीप ने किया है या फिर तारा ने किया है या फिर विराट ने किया, कुछ अभी एक्चुअली सच्ची में हम सब भी बहुत कंफ्यूज्ड हैं, बिकॉज़ वी डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग इन अ स्टोरी एंड व्हाट्स गोना हैपन। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो ये देखने के लिए, सारे मिस्ट्रीज को सॉल्व करने के लिए, डू नॉट मिस टू वॉच। एग्जैक्टली, हमारी सारी जो ये पजल है इसे सॉल्व करने के लिए देखते रहिए इश्क में मर जावा, मंडे टू फ्राइडे 7:30 PM ओनली ऑन कलर्स। ये रटा गया होगा।